धन्यवाद पाएगा। जय बाबा शोराम गिरी की, जय बाबा शांति गिरी की, जय गौशाला की। बहुत ही आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, मातृशक्ति, सबसे पहले मेरी आप सभी को राम राम। साथियों, आपका संघर्ष का लगभग लगभग 2 महीने बीत गए। सरकार की बात तो फिर करांगे, पहले अपने भाईचारे की बात रखा। जो भी वक्ता यहां बोला है, मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं दिल पर ना लियो, धरना से संबंधित सुझाव है। जो भाई यहां बोले हौसला बढ़ाने की बात करें, क्योंकि जिस दिन 18 तारीख को वहां बैठे थे हम, गोली खान की बात हुई थी, सिर कटान की बात हुई थी, उन्हें बातों पर रह गए। और आज भी धरना का हौसला बढ़ाओ, रही बात हाजरी की, नौवा तो मास दूर को नहीं हारता। सारा काम राम भाई ईश्वर बता देना चाहता हूं भाई को, मैं एक कोल पे एक गुलाब पे 36 बरादरी का भाईचारा है, 5000 आदमियां के खड़े हो जाएंगे, यह मेरा विश्वास है। काम की समूह है, किसी भाई ने काम इसी का नाम धरना होया करे है, ये नहीं आया वो नहीं आया, पर ठीक है काम करो। अपन घर भी चलाने हैं और काम भी, रिश्तेदारियां में किसी ने गोटा नुवाण जाना है, किसी ने गुआंड में गोटा नुवाण जाना, किसी ने कुआरा करना है, सब करो। लेकिन जिस दिन आपने नु लगा आज कुछ न कुछ बात है, उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में माता ने, युवा साथियों ने या बड़े बुजुर्गों ने ज्यादा से ज्यादा धरना पर लिया करो। और शायद जिस दिन भाई प्रचारी प्रचार कर रहा है, बहुत ही रिमन बेटी है, इनको ही ज्यादा समय मिलता है, ये ही ज्यादा धरने को संभाल सकते हैं, इनका ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। इन्हीं भाइयों से गुजारिश है, अगर आप, क्योंकि एक सेनापति है सिकंदर ने कहा था, वह मैं भेड़ों का सेनापति शेरों नहीं, उस तो डरू हूं, उसका अपनी एक कहावत है उसकी, मैंने पढ़ी थी। और शेरों का सेनापति अगर भेड़िया होने, मैंने उससे डर नहीं लगता। कारण यह है, इन लोगों में कोई कमी नहीं है, कहीं भी कमी है अनुशासन की, वह हमारे में कमी है। जो भी वक्ता बोला है, हौसला बढ़ाने की बात करें, धरने 13 महीने जब किसान बैठ सके हैं सड़का पे, तो हम 13 महीने क्यों नहीं बैठ सकते। रही बात सरकार की, बात सरकार को क्या था, जो ढिलाई की बात थी वो उनको लग रहा था, भाई आदमी तारा गल्ला पढ़ पढ़ के, गल्ला पढ़ पढ़ के, जब आदमी गल्ला ही पढ़ने लग रहा तो सीरियस कैसे ले होगा वो धरने को, धरने को सीरियस आदमी वो लेगा तो पढ़ेगा। अटके भाई हम बैठे हैं भूखे प्यासे, जिस भी अवस्था में बैठना पड़ो हम बैठे हैं, महीने पाछा आ जाओगे, 2 महीने पाछा आ जाओगे, लेकिन आपने हमारा हल करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कारण ये है, गौ माता पुकार करने लग रही है। आज मैं नहीं समझता जो साथी यहां बैठे हैं वे ऐसे ही दोस्त में बैठे हैं जो पहला दिन बैठे थे जुगर, और उनमें इस बात का ही बेरा है। धीरे धीरे, रही बात टेक्निकल बात की, सरकार की दूसरी यूनिट कल 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन करा है, दूसरी यूनिट, और जो आपने राखी की डिग्गी है, 2 डिग्गी तो लगभग भरी है, तीसरी डिग्गी आधी भर की है। अगर दोनों यूनिट चले हैं तो ये राख की ऑर्डर 3 पाइपों से राख नहीं लगड़ सकती, 10 दिन में 15 दिन में इनका नासा गट जाएगी राख। और जिस प्रकार से अपना पीछा माहौल था 2-4 दिन पहला, उस माहौल से आप कितने सुधार में आ रहे हैं, आज हमारा भाईचारा एक है, बहुत सुधार में आ रहे हैं। तो ठंडी बात करा करो, गर्म बात करो तो सरकार के खिलाफ करो, अगर गर्माई दिखानी है, गर्म जोशी दिखानी है तो सरकार के खिलाफ करो। और पूरा हरियाणा में आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, पूरा हरियाणा में बात मारे कुछ नहीं होता, जाके देखांगे फिर मेरा पटेगा, पूरा हरियाणा में इससे बड़ा धरना मंदन देखा भाई, किसान आंदोलन एक अलग बात थी। एक काम राम का धरना है, गुआंडा ने साथ दे रखा है,
बाहर के संगठन अपने कोल पावे हैं, लेकिन एक काम राम का धरना पूरा हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में कहीं नहीं मिला। आप बालासंध की बात करो, जुलाना की बात करो, खेड़ी सत्रह का मां धरना था, वो एक अलग बात है। तो अपना हौसला कहीं भी डाउन नहीं होना चाहिए। जोकर बैठे थे न्यू बैठे हैं, अनुशासन में बैठे रहना है, एक दूसरे भाई की कदर करनी है, इज्जत करनी है। और एक आदमी का काम नहीं, पूरा गांव राम का, छत्तीस बिरादरी का काम है। अफवाहों से बचना है, पर्सनल मतभेद बुला के काम करना है, वही तो सच्ची आत्मा से गवाही सेवा होगी भाई। और नीचे फिर कोई फायदा नहीं, अगर नुकता चीनी के लिए आप बैठे हैं नहीं, फिर ये मैं तो समझू पाप है। उन्ना काम तो यह जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शुरू में बैठे थे, उस लड़ाई को सिर पर चढ़ाना है। दूसरी बात ये थी, जब जिम्मेदार आदमी कमेटी के सदस्य काम द्वारा चुन दिए गए हैं या जो भी बात करने के लिए जावे है, एक बोध हो जाए। इस धरना पत्र भी अपन ने कहा, एक दो अधिकारी आ गए, इनसे बात करो। उन अधिकारियों से बात करने वाला आदमी भाई बोध हो जाए, लेकिन वो यो बोध लेकर काम करो भाई। महाराष्ट्र से अगर कुछ गलत हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इतनी बड़ी संख्या में मैंने पहले भाषण में एक बात कही थी, यहाँ अगर आदमी की हर आदमी की आत्मा संतुष्ट हो नहीं तो धरना कामयाब है। और जब घना जाना जाना न्यू कहना नहीं यार कुछ नहीं, ऐसे ऐसे महानुभाव लोग बैठे हैं यहाँ, दिखते तो पांच छह सात हो गए, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हैं जिनके भीतरे बात है और सीधे सीधे गौशाला की आस्था के लिए बैठे हैं। उन आदमियों की तरफ भी देखना भाई, आपने उन बुजुर्गों की तरफ भी देखना है, 60-70 साल के बुजुर्ग तो बैठे हैं। समझौते में हम भी तैयार हैं, लेकिन समझौता ऐसा तो हो जो आदमी मर्या पे पीछे अपने चार भाई गुजर के थे, पावड़क प्रथा अपने गांव के थे, जो आदमी मरे पर राजनीति करके, जो मरे पर जो उठ के गए थे, वाय कौन दे रख अपना ने दे देने के हैं, नहीं दे सकते, लिखित में देवेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तड़का कर लियो समझौता। हमने कोई गर्मी मन का चाक नहीं, और ना दूसरे आदमी बुका के बैठा का चाह काम आ बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, लेकिन कोई ऐसी बात होनी चाहिए जब सांप लगड़ जानी यार लकीर पिटे जावे। अगर सांप लगड़ गया लकीर पिटना कोई फायदा नहीं। अगर लिखित में दे तो किसी भी कंडीशन में आज बात करो, अगर लिखित में नहीं देंदे तो टेंडर, पहली बात तो रद्द के होगा, टेंडर कोय बनेगा। आप सभी ने एक बात और बता दू, यो 10 रुपया जो टेंडर था इनने बाट देख रखी है, उस ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दे रखा इनने, इनने जब अपना न्यू लागू का मानिए तो वर्क ऑर्डर दे देंगे। जो टेंडर सरकार ने दे नहीं रखा उसको केरद कराना है। हम इतने दिन से बैठे हैं, मैं मारा गेट खोलो आ जाओ, और अब तो मैं अकेला बोलने लग रहा हूं। जब भी काम राम के साथ सहमति होगी, जब कोई से बात की कमेटी की मीटिंग होगी, तो कुछ सुझाव हैं जो आपसे साझा करूंगा, वहां रखांगे भैया। सबसे आगे बात न्यू नहीं, अका हमें गलत पड़ पड़ के आए, गलत पड़ पड़ के आए मंत्री दल यार रिक्वेस्ट है जी, फलाने रिक्वेस्ट है भाई, मारा गेट खुलवाओ, बात करो, बात जब करना आई हो जब वो गेट खुल जाएगा। करोड़ों की मशीन खड़ी है, उसकी किस्त भी है, धरना पे खर्चे भी हैं, भाई ईश्वर दया करे है, मांग तो मनवावांगे मनवावाएंगे, यो खर्चा भी दवावांगे, तो इस चीजा की तरफ ध्यान दो। दूसरी जो बात है संख्या बढ़ाने की, धरना बहुत बढ़िया ढंग से चलने लग रहा है, चार पांच दिन अपना ऐसे ही शांति से बैठे रहो, उसके बाद अगली कोई रणनीति बनावांगे, अपने अपने सुझाव देवांगे। अगर इस सरकार ने अगर राख चाहिए नहीं, मेरे मन में भी एक सुझाव है, रैलियां तो चूल्हा की आरियां की राख बटली करांगे, एसडीएम ऑफिस का आकर खाली करांगे, लखा जो इसने ऐसे ऐसे काम करांगे ईश्वर भाई, लेकिन इसमें भाईचारे की जरूरत है, इस काम में भाईचारे की जरूरत है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, आगे भी समय समय पर विचार साझा करते रहा, किसी भाई ने बात बुरी लग गया तो हाथ जोड़ के माफी, लेकिन हौसला बढ़ाने का काम करें, हौसला घटाने का ना काम करें। गोली खाने के लिए, क्रांति लाने के लिए झुंड की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन एक जिस तरह वो लकड़ी का उदाहरण था नहीं, एक चुटता की जरूरत होती है। कच्चा आदमी देखा उसको समझाओ भाई, अफवाह मत फैला, कुछ कहने लग रहा हो तो उसको समझाओ भाई, धरना के इस चीज से नुकसान है, हाथ जोड़ के ऐसे काम मत करो। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बुलानी पड़ेगी और धरना को जितना है तो अनुशासन में रह के जितना पड़ेगा, जय नगर खेड़े की, यही मेरा कहना है।